अब रात होते ही वहाँ शेर आने लगे, जिसे देखकर लड़की काफी डर गई। आदमी उसे शांत रहने को कहता है, तभी वहाँ लकवे बग्गे आ गए, जिसे देखकर लड़की डर के मारे चिल्लाने लगी। उसी क्षण एक शेर ने लड़की को देख लिया। शेर नजदीक आने लगा, शिकारी ने हाथ में बंदूक ली, शेर पर तान ली, फिर नजदीक आने का इंतजार करने लगा और नजदीक आते ही गोली मार दी, जिससे लकवे बग्गो और शेरों को पता चल गया। अब वो उन पर हमला करने लगते हैं और शिकारी गोली पर गोली चलाता जाता है, लेकिन वो एक के बाद एक हमला करते ही जा रहे थे। तभी वहाँ जंगल अधिकारी सही समय पर आकर उनकी जान बचा लेते हैं। अगले दिन गवर्नर उसे याद दिलाता है कि उसे एक और शिकार करना है। अब रात को वे पूरी तैयारी के साथ शिकार का इंतजार करने लगे, तभी एक लड़की हल्का होने बाहर निकली। उसी समय एक खुखार चिता लड़की पर हमला करके उसे नोचने लगा। शिकारी ने आवाज सुनी, आवाज की दिशा में जाने लगा। तभी शिकारी ने देखा पैर पर मजे से चिता लड़की को नोच रहा था। शिकारी उसे गोली मारकर गिरा देता है। जब उसने पास जाकर देखा तो लड़की मर चुकी थी, लेकिन उसी समय एक और खुखार चीते ने उस पर हमला कर दिया। शिकारी चाकू से हमला करता है, जिससे चिता पीछे हट गया, लेकिन शिकारी ने जैसे ही बंदूक चलाई चिता वहां से गायब था। अब शिकारी की मदद के लिए उसके साथी आ रहे थे, तभी चिता एक आदमी पर हमला करके उसे घसीटते हुए ले जा रहा था। उसी समय दोनों शिकारी चीते को मार देते हैं, लेकिन अफसोस उनका एक साथी मारा गया।